जिला प्रशासन की घोर लापरवाही है। जांच होगी, रीवा के विधायक पर मानेंगे नहीं, नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सौदेबाजी का खेल चल रहा है। रीवा जिले के चौराहा थाना क्षेत्र में फाल्कन एविएशन ट्रेनिंग कंपनी का 2 सीटर विमान क्रैश हो गया, जिसमें मुख्य पायलट की मौत हो गई जबकि ट्रेनिंग ले रहा पायलट घायल है। पूरी घटना में अभी तक कंपनी की घोर लापरवाही के साथ साथ रीवा प्रशासन की भी लापरवाही सामने आई है। घटना के बाद आनन फानन में जांच के बाद दोषी पाए जाने पर कार्यवाही करने की बात कहकर वरिष्ठ अधिकारी अपना पल्ला झाड़ते दिख रहे हैं। दरअसल रीवा जिला एक ऐसा स्थान है जहाँ अन्य जिलों से ब्लैक लिस्टेड भगोड़े ठेकेदार, बिल्डर और कंपनियां आकर अपना कारोबार आसानी से जमा लेती हैं, क्योंकि यहां ना तो जान और ना ही जमीन की कोई कीमत है। मुफ्त में जमीन मिल रही है और निर्दोषों की जान भी चली जाए तो भी विकास से जोड़कर मुंह बंद करवा दिया जाता है। उक्त छोटे विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद रीवा महापौर अजय मिश्रा बाबा ने प्रशासन और भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है। अजय मिश्रा बाबा ने कहा कि फाल्कन एविएशन एकेडमी का विमान गत वर्ष फैजाबाद एयरपोर्ट से उड़ा था, जो सरयू नदी के किनारे क्रैश हो चुका था। उस समय जांच में जानकारी आई थी कि उक्त कंपनी की लापरवाही के चलते घटना घटित हुई है, जिसे ट्रेनिंग के लिए परमिशन वहां नहीं दी गई थी, लेकिन उक्त कंपनी को रीवा में शरण मिली। उसके पीछे वजह यह थी कि रीवा में एयर ट्रैफिक कंट्रोल नहीं है, जिसके चलते उक्त कंपनी की कमियां उजागर नहीं हो पाती और यहां के लोगों को विकास दिखाकर वाहवाही लूटी जा सकती थी। एक तरफ हवाई पट्टी का विस्तार कर एयरपोर्ट बनाया जा रहा है तो दूसरी तरफ इस तरह की घोर लापरवाही उन किसानों और हवाई अड्डे के आसपास रहने वालों के लिए मुसीबत बनकर खड़ी हो रही है, जिनकी जमीनें भी चली गई और अब जान भी जाने की कगार पर है। आइए आपको सुनाते हैं महापौर अजय मिश्रा बाबा ने किस तरह के गंभीर आरोप लगाते हुए किसे जवाबदार ठहराया है। देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो ये फाल्कन एविएशन एकेडमी उत्तर प्रदेश फैजाबाद की है, ये यहाँ पर एक ट्रेनिंग स्कूल खोलने के लिए इन्होंने यह परमिशन ली थी कि यहाँ पर रीवा में हम फ्लाइंग स्कूल संचालित करेंगे और रीवा के लोगों को एडमिशन देंगे। उन्होंने यहाँ पर किसी भी रीवा के किसी भी छात्र को एडमिशन नहीं दिया, न किसी व्यक्ति को दिया। इन्होंने बाहर के छात्रों को गोपनीय तरीके से, जो क्या था कि जो ये इनका जो फ्लाइंग स्कूल था वो फैजाबाद में संचालित था और 27 अप्रैल 2018 को वहाँ पर भी इसी तरह एक प्लेन क्रैश हुआ इनका, उसके कारण इनका वहाँ से लाइसेंस निरस्त हो गया। जब इनका लाइसेंस वहाँ निरस्त हो गया और चूँकि वहाँ ACT का टावर है, तो ACT का जो कंट्रोल टावर होता है उस पर ये राडार पे आ गए, तो इनको वहाँ पर अनुमति मिल नहीं सकती थी। वहीं से ये रीवा में ये जहाँ से भी अपनी सेटिंग बनाए हो, जहाँ से भी जुगाड़ किया हो, केंद्रीय मंत्रालय का मामला है। इन्होंने यहाँ पर एक ये देखा कि हवाई पट्टी डेड पड़ी हुई है, इसका उपयोग कर लिया जाए, और इन्होंने अपनी गुणा भाग करके इसका उपयोग किया और उसका ये नतीजा निकला कि रीवा में एक हादसा हुआ। अगर ACT कंट्रोल टावर होता तो इनको अनुमति न मिलती। और मेरे को तो ये भी जानकारी मिली है कि 19/12/2022 को इनका अनुबंध भी समाप्त है, अनुबंध समाप्त है या कि लाइसेंस समाप्त है, जो भी हो, तो ये तो जिला प्रशासन की घोर लापरवाही है कि उनको इनका लाइसेंस वाइसेंस सब प्रॉपर हर महीने मंथ चेक करना चाहिए, इनके एयरक्राफ्ट कैसे हैं इसकी जानकारी उड़ान विभाग से लेनी चाहिए केंद्र से, तो जिला प्रशासन गलती है। और रीवा के विकास पूर्व हवाई पट्टी चौड़ी करने का ठेका ही ले रखे हैं हमारे माननीय पूर्व मंत्री, जो 15 साल पावरफुल मिनिस्टर थे मध्य प्रदेश के और रीवा के विधायक वर्तमान में हैं, उन्होंने तो ये कसमें खा ली है कि रीवा को जब तक पूरी तरह से विनाश के कगार में नहीं बैठा देंगे तब तक वो मानेंगे नहीं, और उस कार्य में वो पूरी तरह से लगे हुए हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि DGCA के नियम अनुसार कोई भी फ्लाइंग जो कि जब मतलब ये ट्रेनिंग विमान होते हैं वो जमीन से 2000 फीट की ऊँचाई पर ही उड़ने की अनुमति उनको दी जाती है, पर ACT के टावर कंट्रोल टावर न होने के कारण इनको ये पूरा फायदा मिला और उसका आज खामियाजा रीवा को भुगतना पड़ा। अब देखिए, इसके बारे में मेरे को जानकारी नहीं हुई, जब गाड़ी के ड्राइवरों की 60 साल में रिटायरमेंट हो जाता है तो पायलटों को तो और पहले होता होगा, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ माइंड उसका और उसकी आँख की विजिबिलिटी ये सब देखा जाता है कि आँख में कितनी दूर तक का दिखाई देता है। अब ये होगा उसमें कुछ मापदंड तो वो देखा, इसकी ये जांच का विषय है,
पर मैं ये बता दूं कि किसानों की ज़मीन को लेकर और वहाँ पर किसानों को ज़मीन का अनाप शनाप मुआवजा देना, पहले भी किसानों की ज़मीन ले ली गई थी और बहुत ही उपजाऊ ज़मीन है वो, बहुत ही उपजाऊ ज़मीन है रीवा की किसानों की वो, और उसको लेकर और इस तरह का कि एयरपोर्ट का डेवलपमेंट होगा, बड़े बड़े प्लेन उतरेंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप तो नेट उठाकर देखिए, जो रेगुलर फ्लाइट थी अल्टरनेट में हो गई, लोगों के पास पैसा नहीं है, इतनी महंगाई बढ़ी हुई है कि लोग अपना परिवार चलाएंगे कि हवाई जहाज़ में चढ़ेंगे। पेट्रोल की कीमत बढ़ी हुई है, डीजल की कीमत बढ़ी हुई है, गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ी हुई है, इसमें भी ईंधन लगता है, जब ईंधन लगेगा तभी ना चलेगा, सब कुछ बढ़ गया। तो ये सिर्फ सौदेबाजी का खेल चल रहा है। रीवा में ज़मीन का भ्रष्टाचार पूर्ण रूपेण है, सरकारी ज़मीनों को बेचना, अब किसानों की ज़मीन में नंबर लग गया, कभी रिंग रोड के नाम से हैं, कभी उसके एक्सटेंशन के नाम से, मतलब सिर्फ भ्रष्टाचार है, इसके सिवाय कुछ नहीं।